इसमें संदेश खोल लो और स्क्रीन पर लेके आओ। तो अभी हम लोग एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमने ईमेल का एक नया फॉर्मेट बनाया है। इसमें आप लोगों को जो ईमेल आती है स्वरा सर्वर से, उसमें पहले से कुछ चीज़ें भरी हुई मिल जाएंगी, उसमें सिर्फ संशोधन करना है, उसमें कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि एक कोई ऐसी ईमेल जो पिछले थोड़ी देर में आई, खोलो 3:27 पे आई है ना, ड्राफ्ट वाली, खोलो। ठीक, अब इसको कंट्रोल माइनस माइनस करो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दिखने लगेगा पूरा ईमेल। काफ़ी है, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट लाइन तो ये पहले जैसा था वैसा ही वाला है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन बॉडी में हमने कुछ चेंज कर दिया है। तो पहली चीज़ तो वो बता रहा है कि ये संदेश हमको हिंदी में लग रहा है, और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें क्या, तो टर्न ऑफ को हिंदी कर दीजिए ऊपर, तो क्योंकि हम तो सब हिंदी बोलने वाले लोग हैं, अधिकतर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की जरूरत, तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद की जरूरत बहुत कम लोगों को पड़ती है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की जरूरत पड़ सकती है, तो टर्न ऑफ पर हिंदी कर दो पहले चीज़ तो। बगल में लिंक आया हुआ है टर्न ऑफ पर हिंदी, है ना। तो इसके बाद से गूगल आपको परेशान करना बंद कर देगा कि भैया ट्रांसलेट करो कि नहीं, टर्न ऑफ पर हिंदी क्लिक करो। ठीक, अब ये सेव हो गया, ऊपर देखिए लिख के आ गया, आप माउस ले जरा। ठीक, तो ये लिख के आ गया है कि ये हमने कर दिया है आपका काम। ठीक, अब नीचे आइए, अब ये देख रहे हैं कि फॉर्म ऐसा बना हुआ है इसमें, अब रिप्लाई मारो। जो भी करते हो रिप्लाई करो, रिप्लाई। ठीक, अब वो नीचे देख रहे हो 3 डॉट बना हुआ है छोटा छोटा, हाँ। तो पहले डिलीट 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 करा, बाद उसको ऊपर ले आओ पहले तो। नहीं आ रहा ऊपर, तो खोल लो उसको, एक्सपेंड कर दो। अब नीचे आओ, ठीक। अब सर्वर के नाम में तो कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से भर के आया है। पोस्ट की आईडी में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, वो भी पहले से भर के आया है। इसके नीचे क्या है, नंबर, जिस नंबर से वो कॉल आई है, ठीक है। तो अब नंबर की जगह तो ऑलरेडी उनका नंबर भर के आया हुआ है, वो एक देख रहे हैं कि 800 500 6 18 वाला नंबर भी लिख के आ गया वहाँ गलती से, वो इसलिए आ रहा है कि वहाँ नंबर की जगह उसने अपने आप से वो रिप्लेस कर दिया, वो ठीक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नीचे आ जाइए, नेम ऑफ कॉलर, भैया ऊपर MP3 दिख रही है, लिंक दिख रहा है प्ले करने वाला जी, तो जरा प्ले करके सुनो जरा क्या क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब। स्पीकर लगाए हो ना? नहीं, स्पीकर नहीं लगाए, ये स्पीकर लगा दो। अब सुनो वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं। ये बहन जी, खाली संदेश है ना, तो इसमें लिखो कॉलर का नाम में लिखो अननोन, नहीं बताया है, या अननोन ऐसा कुछ। कॉलर का नाम जाओ, अगर नाम बताया होगा तो यहाँ पे नंबर देंगे अननोन। फोन नंबर भी नहीं बताया है, कहाँ से फोन आया है वो भी डालो अननोन। ठीक है, फिर नीचे आओ, MP का टेलीकॉम सर्कल तो ठीक ही है, अब नीचे आओ और लेंथ इतनी लंबी छोड़ी है, नीचे आओ। स्टेटस ड्राफ्ट में आया है ये, अब नीचे आओ। टेक्स्ट समरी ये है, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ, पूरा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर से वो ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, थोड़ा एक और लाइन थोड़ा बढ़ गया। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी टेक्स्ट समरी जो है वो ऐसे लिख के आएगी, दो लाइनों के बीच में सितारों वाली दो लाइनें बनी रहेंगी, उसके बीच में टेक्स्ट समरी लिख के आएगी, इसी के अंदर हमको एडिट करना है। तो पहले तो जो पुराना लिखा हुआ, देखिए हमने दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ड्राफ्ट संदेश लिख के भेज दिया है, इसको बदल के हमको अब जो हमको भरना है वो लिखेंगे। अब इसमें इन्होंने बोला है हेलो हेलो, 5-4 बोल काट ही दिया है,
तो अब जितना वो टेक्स्ट समरी के बाद में आओ, नीचे आओ, एक लाइन नीचे आओ, एक और लाइन नीचे आओ, होम पे जाओ, होम, होम की, होम की आपके कीबोर्ड पे दिख जाएगी आपको। होम दबाएंगे तो लाइन के शुरू में चला जाता है। अब शिफ्ट दबा के नीचे आ जाओ, सेलेक्ट कर लो पूरा दोनों लाइनों के बीच में जो भी आया, नीचे आओ और नीचे आओ और पूरा सेलेक्ट कर लो, जहाँ तक वो हिंदी में स्वर मॉड्यूलेटर टीम लिखा है ना, वहाँ सेलेक्ट कर लो पूरा और कंटिन्यू। वेरी गुड, एक और उड़ा दो, ठीक है। अब इसमें अपना भरना शुरू करो। इन्होंने ये साथी शायद समझ नहीं रहे हैं कुछ भी, जो भी तुमको भरना उचित लगता है। इन्होंने सिर्फ हेलो हेलो बोला है, कोई साथी तो आपस फोन करके इसको इस्तेमाल करना सीखा है। हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो यार, सेटिंग्स चेंज करो, सेटिंग में जाओ, सेटिंग्स और ऊपर इंग्लिश यूएस शोर लैंग्वेज ऑप्शन, वेरी गुड। एनेबल इनपुट टूल्स, क्या हो रहा है, क्लिक कर रहे हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसमें हिंदी चुनो, ऊपर रह गया, हाँ ये रहा हिंदी, कौन सा चलता है इसमें, हिंदी इससे ऊपर वाला, हाँ ओ वाला सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड वाला नहीं, ठीक, क्लिक करो, ठीक। अब इसको सेव कर लो, नीचे आओ, सेव सेटिंग्स, सेव चेंज, क्लिक कर दे भैया, ठीक। अब ऊपर अ का चिन्ह आ गया ना, अगर तुम ड्राफ्ट कर रहे थे खोलो उसको वापस, ड्राफ्ट यहाँ बन के लिख के आ गया, ड्राफ्ट, हाँ ओपन, नीचे आओ, नीचे आओ और नीचे और नीचे और नीचे, उसको नीचे आ जाओ पूरा, हाँ वो टैग टैग समरी में लिख रहे थे वहाँ जाओ, आपके की बोर्ड पे उसको दबाएंगे तो लाइन के एंड पे जाएगा, वो नीचे आ गए। अब हिंदी पे क्लिक कर लो, सेलेक्ट हो गया, वो काढ़ा हो गया ना, मतलब आपको हिंदी में लिखेगा। तो अब लिखो, इन्होंने केवल हेलो हेलो बोला है, कृपया मॉडरेशन टीम के कोई साथी इन्हें फोन लगाकर ट्रेनिंग दें, है बोला है कि बात, फुल स्टॉप कौन लगाएगा, तुम फुल स्टॉप वुल स्टॉप नहीं लगाते हो बाबू, पंक्चुएशन जरूरी है, लगाया करो यार, सेंटेंस तो खत्म होना चाहिए। कोई कृपया कृपया कोई मॉडरेशन टीम के साथी मॉडरेशन टीम के साथी कोई नहीं जरूरत नहीं, मॉडरेशन टीम के साथी हिंदी में लिखो, शन एस एच ए एन, हाँ टीम के साथी इन्हें ट्रेन करें, कॉल लगाकर ट्रेन करें, कॉल लगाकर ट्रेन करें, ट्रेन टी आर ए आई एन करें, ठीक। अब सेंड कर दो, ठीक। तो ये तो खाली संदेशों के लिए हो गया। अब एक कोई संदेश सुनो, इसमें उन्होंने नाम वाम बताया हो लेकिन संदेश बेकार दिया हो,
देखो एक और ड्राफ्ट आके रखा हुआ है वो तो, हाँ ये खोलो, ये ओम भाई ने जो खोला हुआ है नीचे आओ, ये तो पुराने फॉर्मेट में आया है, तो बैक चले जाओ। अभी तो कोई आया नहीं। ठीक, अब नहीं 3:27 पे एक आया है, देखो 16 मेल पे नीचे नीचे उसी नीचे, हाँ ये वाला कर्नाटक में से भी आया है, ये तो पुराना है, बैक चलो। 3:27 पे आया है 16 मेल से ऊपर, उसके उसके एकदम ऊपर, उसके ऊपर ये देखो क्या कहानी है इसकी, सेम जो मैंने बताया अभी, उसको बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही करो बिना मेरे बोले। ठीक है, अब संथाली में संदेश आया है, ये समझ में कैसे आया, वेस्ट बंगाल से आया है, कोई भाषा ही समझ में नहीं आ रही, चांसेस हैं कि संथाली में होगा लेकिन गारंटी नहीं है कि संथाली में है, तो अब भरो उसमें जो फॉर्म से पहले भरा था, नाम समझ में नहीं आया तो अननोन डाल दो, समझ में नहीं आया डालो, डालो समझ में नहीं आया, अब कोलन के बाद डाल दो, कोलन के बाद कोलन लगा हुआ है वहाँ पर स्पीड के उसके बाद स्पेस नहीं आया, नहीं आया ठीक, कॉल लोकेशन समझ नहीं आया, तो वो तो बोला ही नहीं है शायद, बोला छोड़ दो खाली छोड़ दो, नहीं समझ में तो खाली छोड़ दो, ठीक है नीचे आओ नीचे आओ, ठीक है अब इसमें टेक्स्ट समरी में भाई तुम भरोगे शायद संथाली मैसेज है, वेस्ट बंगाल से होने के कारण मुझे लगता है कि संथाली मैसेज हो सकता है, पूरा सेलेक्ट मत करो, वो स्टार बन लेंगे उसके ऊपर, तो समझ रहे कैसे करना है ये, समझ में आ गया मोहन जी आपको, रमेश भाई समझ में आ रहा क्या कर रहा है वो, कर पाओगे जी? नहीं नहीं आपको रमेश भाई पूछो कर लोगे, ठीक अनुराग क्लियर, विपिन ओम भाई आपने तो एक बार कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन, राहुल एनी इनपुट्स एनी क्वेश्चंस, कौन सा कॉलम एड्रेस का कॉलम इसमें डालें, लोकेशन का कॉलम तो है ऊपर, कॉल लोकेशन लोकेशन में डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी डालेंगे पूरा एड्रेस पता उसमें डाल सकते हैं,
ओके मॉडरेशन ओके हाँ तो वो ड्राफ्ट स्टेटस वाला है ना उसमें आप मॉडिंग चेंज कर सकते हैं तो उसमें कृपया कोई साथी इन्हें फोन लगाएं और उनसे नाम वगैरह रिकॉर्ड करवाएं और उसका स्टेटस चेंज कर दो मॉडिंग कर दो तो स्टेटस में आप जहाँ जहाँ पहले जब मॉडिंग पहले आप अपने उसमें डाल रहे थे ईमेल के शुरू में अब जहाँ स्टेटस है वहाँ मॉडिंग डाल दीजिए Bodenk, M1, M2, जो भी नया स्टेटस आपने बना के रखा है M1 itself would make it like Bodenk because now everyone knows that जो भी whatever you think is appropriate मेरे ख्याल से Bodenk डालोगे तो कम से कम Bodenk से हम ढूंढ सकते हैं Bodenk हम कुछ जितने कीवर्ड आपने बनाए हैं उसमें से कोई सा भी डाल दो हम ढूंढेंगे उससे करा लो Modenk M O D E N C कैपिटल कैपिटल और तुमको O बंद करना पड़ेगा कैपिटल कैपिटल पूरा कैपिटल शर्ट जब पिछला वहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल में था तो पूरा कैपिटल में बाकी लोग तो गलती करेंगे उसमें तुम तो मत करो मॉडर्न स्पेस अभी मॉडर्न अभी से मॉडर्न किया फर्स्ट बार रिप्लाई है दो उदाहरण हो गया अब एक और देख लो एक पूरा अपने आप से करो ये घनश्याम बेस्ट ब्लैंक ये भी ऐसे होगा 171 के भी तो है पहाड़े का ना पर ना 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 के गाना रिकॉर्ड किया लेकिन उसमें नाम हमको रिकॉर्ड नहीं किया नाम खाली छोड़ दो तो समझ में आया नहीं है खाली छोड़ दो उसका स्टेटस मॉडर्न कर दो मुझे लगता है ना समझ में नहीं आया नहीं जबरदस्ती मत लिखो अगर नहीं मालूम है तो एक बार अपन ने सैंपल की तरह बना दिया उसको बार बार अब मॉडर्न कर दो इसको स्पेस छोड़ना है यार भगीरथ अगर तुम ही इसका फॉर्मेट उल्टा पुल्टा करोगे ना तो बाकी लोग तो बिल्कुल ही संभाल नहीं पाएंगे तो वेरी गुड सिर्फ जहाँ जो जो ऑलरेडी है उसको सिर्फ उतना बदलो जितना आवश्यक है जितना जो आवश्यक नहीं है उसको मत बदलो चलो पापा सर शायद संथाली में गाना रिकॉर्ड किया है लेकिन क्लियर नहीं है और नाम वाम नहीं बताया तो इन साथी से कृपया कोई बात करके उन्हें समझाएं नाम नहीं बताया है फुल स्टॉप भैया ये कॉमा होता है कॉमा भी लगा सकते हो फुल स्टॉप भी लगा सकते हो हाँ मतलब फुल स्टॉप और काम बताया है तो एन क्या कर रहा है बीच में बताया है मॉडरेशन टीम के साथ ही कृपया फोन करके इनसे इनका नाम पूछो फुल स्टॉप मॉडरेशन क्यों नहीं लिखा रहा मॉडरेशन SHAN कर दे साथी
शांति नहीं साथी, साथी में आ नहीं आता है, साथी साथी होता है, एस ए टी एच, एस ए टी एच आई, एस ए ए टी एच आई कर सकते हो, टी एच आई विद्या इन्हें ट्रेन करें, फोन करके ट्रेन करें यार, ठीक है ये पकड़ाएंगे भैया, घबरा जाओगे दोबारा रिकॉर्डिंग करें, फिर ट्रेन करें, ठीक है ट्रेन करें, ट्रेन करें, ट्रेन सही है, ट्रेन करें, ट्रेन करें, लिखा रहा है लिखा फिर उसने, नहीं 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 वो ट्रेन ही लिख रहा है, वो तुम्हारा ये हलंत लेता है तो ट्रेन करें, वेरी गुड सेंड कर, नहीं भैया फर्स्ट वाला बहुत बढ़िया, ठीक तो सब लोग समझ रहे हैं ना कैसे करना है इसको, और इस पर अब कोई अगर रिप्लाई करेगा तो कैसे रिप्लाई करेगा, अब कोई और इसमें साइन इन करें आपके आपके अकाउंट से जिन्होंने भर के भेजा है, आपने सुना उसको, आपको कुछ और जानकारी मिल गई, जैसे उसने जहाँ पे लिख के भेजा कि नाम समझ में नहीं आया, जितना समझ में नहीं आया लिखा है वो उसको बदल के नाम उतना ही करना है, ठीक अब इसका भैया वीडियो बना लिया है तो स्टॉप कर दो, कहाँ चल रहा है